के स्मार्ट सिटी 2.0 में जगह नहीं मिल सकी है, जिसके चलते भारत सरकार की ओर से ग्वालियर को स्मार्ट सिटी के लिए कोई पैसा नहीं मिलेगा। तो वहीं 30 जून को ग्वालियर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का कार्यकाल खत्म हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ग्वालियर को 1,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन 5 साल के प्रोजेक्ट के समय पर काम पूरा नहीं हो पाने के चलते इसे 2 साल की एक्सटेंशन दी गई थी। बावजूद इसके 218 करोड़ रुपए के काम अभी भी अधूरे पड़े हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। ग्वालियर को स्मार्ट बनाने के लिए 7 साल पहले लाया गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अब कुछ ही दिन का बचा है, यानी 30 जून को इसका कार्यकाल पूरा हो रहा है और 1,000 करोड़ रुपए से यहाँ जो पैसे सैंक्शन किए गए थे उसके काम जो है अभी 218 करोड़ के काम अधूरे पड़े हैं। ये प्रोजेक्ट 5 साल के लिए लाया गया था, लेकिन फिर 2 साल इसको एक्सटेंशन दिया गया था क्योंकि भारत सरकार इसको पूरा फंडिंग नहीं कर सकी थी। अब अभी जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बीच में पड़े हुए हैं, जिसमें आईएसबीटी का बस स्टैंड है जो लगभग 75 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, महाराज बाड़े पर जो मल्टी लेवल पार्किंग है जो 65 करोड़ की लागत से बन रहा है, इसके अलावा एक म्यूज़ियम है जो बनना है, कुछ सड़क हैं बनना है अधूरी पड़ी हुई हैं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है जो अभी तक नहीं हो पाया है। तो इस तरह से अभी लगभग 218 करोड़ रुपए के ऐसे काम हैं जो बंद पड़े हुए हैं और राज्य शासन ने लिख भी दिया है स्मार्ट सिटी को कि भाई अब अपना पैरेलल व्यवस्था करें। हालांकि ये व्यवस्था पहले से ही जो भारत सरकार ने प्रोजेक्ट बनाया था ये किया था कि 5 साल बाद ये सब जो प्रोजेक्ट तैयार किए जा रहे हैं या इंडिपेंडेंट बॉडी जो बनाना है स्मार्ट सिटी की वो राज्य शासन तय करेगा। अब ये बड़ा असमंजस की स्थिति है कि एक तो खाली प्रोजेक्ट जो पड़े हुए हैं वो कैसे उन पर पूरा होगा काम, और दूसरा ये कि आगे इसका भविष्य क्या होने वाला है, क्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट द्वारा बनाए गए तमाम सारे जो स्मार्ट प्रोजेक्ट हैं जिसमें जो यातायात नियंत्रण के लिए बहुत शानदार वो भी बनाया गया है जो जिसमें ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज यातायात का नियंत्रण होता है, या फिर उसमें तमाम सारी चोरियां भी पकड़ी गई हैं जो उन्होंने लगाए, इन सबको देखेगा कौन, क्योंकि स्मार्ट सिटी का काम समाप्त हो जाएगा और स्मार्ट सिटी की जो अधिकारी हैं उनका कहना ये है कि उनके पास फंड की कोई कमी नहीं है। जो 1,000 करोड़ रुपया सरकार ने हमको भारत सरकार ने दिया था इसके लिए वो पूरा फंड है और 30 जून तक हम उसका काम पूरा भी कर लेंगे। हालांकि ये मुश्किल लग रहा है क्योंकि काम अभी काफ़ी कम पड़ा हुआ है, लेकिन अगर 30 जून में तक ये काम पूरा कर भी लेंगे तो इसके बाद इनका मेंटेनेंस क्या होगा और स्मार्ट सिटी जो दफ्तर है जो इसका संचालन होता है वो चलेगा या बंद हो जाएगा, इसके बारे में अभी तक न राज्य सरकार ने कुछ तय किया है और ना ही स्मार्ट सिटी के अफसर कुछ बताने को तैयार हैं। ग्वालियर से देव श्रीमाली, NDTV।